आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नवरात्र का पांचवा दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की करे आराधना, पाए मनोवांछित फल। जानिए स्कंद माता की पूजा विधि, कथा, भोग, मंत्र आदि के बारे में विस्तृत जानकारी। नवरात्रि चाहे वह शारदेय हो वासंते, हर नवरात्र के पांचवे दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माता दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र है। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता माता पार्वती का ही एक रूप है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों की संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। वैसे स्कंद माता को इन नामों से भी जाना जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। अब जानिए मौ स्कंद माता की कथा। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। माँ एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए है और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। उनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती है और इसलिए वह पद्मासना देवी के रूप में भी मानी और पूजी जाती है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर हाहाकार मचाई और कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का विचार किया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके।
इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी स्कंद माता का स्वरूप जानिए। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना भी विशेष फलदायी होता है। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इसकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। जानिए स्कंद माता को क्या भोग पसंद है। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं। इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का 1 जोड़ा भी चढ़ाएं। जानिए पीले रंग के महत्व के बारे में। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती है। अब जानिए माँ स्कंद माता की पूजा विधि। माँ स्कंद माता के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा के स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। आइए जानते हैं माता की आराधना का विशेष मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इसका अर्थ होता है ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली है, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। जानिए माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्री तकर्द्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की और बढ़ना सिखाती है।
यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।